हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कंपैरेटिव वाले जो चैप्टर में हैं हम बैलेंस शीट की। इससे पहले वीडियो में हमने किया था कि बैलेंस शीट में हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज कैसे बनाते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसमें कंपैरेटिव और कॉमन साइज को कैसे किया जाता है। ये नॉर्मली हमसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछती है। ये 4 मार्क्स का होता है। इसका फॉर्मेट हमें खुद बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट में फॉर्मेट जो होता है ऑलरेडी गिवन होता है, तो वहां एक एडवांटेज होती है, यहाँ वो एडवांटेज हमारे पास नहीं होती। बट इसीलिए ये क्वेश्चन भी छोटा होता है, क्योंकि यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इस काम को करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। मार्क्स मैंने यहां पर दिखा रखे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ती है। वही 2 ईयर होते हैं, एक प्रीवियस, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जरूर चलेंगे, वो आप यहां लिख देंगे। पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है तो 2017-18 है, फिर करंट ईयर लिखा जाता है तो जो 2018-19 है। दैट मीन्स ये 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आया था ये कंपैरेटिव का आया था। नॉर्मली बोर्ड में जो पूछा जाता है वो कंपैरेटिव ही पूछा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि कॉमन साइज आपसे नहीं पूछा जा सकता। पर नॉर्मली कंपैरेटिव पूछा गया है 10 साल में से 8 साल, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है, पर वो कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर चेंज हो गया था। कॉमन साइज पूछ ली थी, बैलेंस शीट पूछ ली थी, बट अभी हमारा जो अभी का टॉपिक कंसर्न है वो है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएं। तो फॉर्मेट ये होता है, ऊपर वाला फॉर्मेट, कि सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होते हैं जो गिवन है। देखिए ये रहे 30 लाख एक फिगर है, क्योंकि पहले ये वाली फिगर लिखनी है प्रीवियस ईयर की। दूसरी फिगर 37,50,000 है। आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब कंपैरेटिव होता है तो हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है, और एब्सोल्यूट चेंज निकलता है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करकर। तो इसका मतलब कितना निकला, 7,50,000। तो अभी 7,50,000 की परसेंटेज निकालनी होती है, तो आप 4 जीरो हटा दो इसमें से, तो ये 300 और ये 75, तो 75 / 300, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, इनटू में 100 आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो 3 से ये 25 पर कटता है, इसका मतलब परसेंटेज कितनी आ गई, 25%। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव में काम करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसकी है वो नहीं लिखा, तो आप इस तरीके से लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है अदर इनकम होती है, ये भी आपका रिवेन्यू का ही पार्ट होता है, तो आप अदर इनकम को यहां लिखेंगे। इसका फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे सबसे पहले 60,000, फिर करंट ईयर की फिगर लिखेंगे 75,000, फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कितना है 15,000, 15 अगर 60,000 से निकालूंगा मैं तो 15 ऊपर लिखेंगे, 60 नीचे लिखेंगे, और इनटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, तो इसको जब आप करोगे तो ये भी 25% ही आपका निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो वहां देखने की बजाय यहीं का होता है। आपको पहले टोटल रिवेन्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके। इसका मतलब यहां फिगर आएगी 30,60,000, और यहां फिगर आएगी 38,25,000। इन दोनों का फिर डिफरेंस, तो डिफरेंस निकल कर आएगा 7,65,000।
कैसे निकला? आप 38,25,000 में से 30,60,000 माइनस कर दीजिए। परसेंटेज निकालेंगे तो इसी 7,65,000 को आपको 30,60,000 से डिवाइड करना पड़ेगा और इनटू में 100 लगाना पड़ेगा। 7,65,000 एब्सोल्यूट चेंज है, ये प्रीवियस ईयर की फिगर है, ये रही। तो जब आप इसको करोगे तो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब जो बचा उसको आपको डिवाइड कर निकालना पड़ेगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन दे रखी है उन्होंने यहां पर। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये परसेंटेज निकल कर आई 21.73। तो ये परसेंटेज हमने यहां पर लिख दी। अब हमें एक्सपेंसेस को देखना होता है। तो नॉर्मली एक्सपेंसेस में कुछ हेडिंग्स होती हैं, बट यहां देखिए तो हेडिंग नहीं लेकर सिर्फ एक्सपेंसेस का अमाउंट दे रखा है। तो वो आप अमाउंट लिख लीजिए। ये 20,76,000 दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 25,75,000। दोनों का डिफरेंस निकालना है फिर आपको। तो 25,75,000 में से 20,60,000 माइनस कर दीजिए। 15 तो ये बचे और 5 यहां से बचे। परसेंटेज अगर निकालनी है पहले एब्सोल्यूट चेंज में फिगर लिख दीजिए। 5,00,000 15,000। अब 5,15,000 को 20,60,000 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। फिर 206 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो लकीली ये पूरा चला गया और हमारा 25% आ गया। अब यही हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो एक्सपेंसेस के आगे ही आप चाहो तो यहीं पर टोटल एक्सपेंसेस लिख सकते हो, चाहे ये सीधा फिगर यहां लिख दो, क्योंकि कोई भी और इसमें एक्सपेंस ऐड हमें नहीं करना। तो ये फिगर सेम एज इट इज आपकी यहां भी आ जाएंगी टोटल एक्सपेंसेस। एक बार चाहे तो एक बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट काम होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, मतलब कि रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करना। क्या करना होता है? रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होते हैं। तो 30,60,000 में से 20,76,000 को आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे ₹9,84,000 आएगा। 38,25,000 में से 25,75,000 माइनस करो, इस फिगर में से ये फिगर माइनस करो। तो जब आप करोगे तो ये 13,50,000 आएगी। अब 13,50,000 में से 9,84,000 घटाओगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। 13,50,000 में से 984 अगर आप माइनस करते हैं तो ये अमाउंट आता है 3,64,000।
इस 3,64,000 को आप यहां लिख देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 9,84,000 से। 3,64 को 9,84 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। अब हमें टेबल देखना है, पहले 2 से काट लेते हैं, अभी कट जाएगा। अभी भी 2 से कटता है। अब नहीं कटता, अभी यहां जरूर कट सकता है, पर 0 को नहीं छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। वैसे कट सकता है ये 1 जो है 23 और 50 आ सकता है, पर वो हमें और डिफिकल्ट बनाएगा। तो आप 246 को, मतलब कि आपके पास ऊपर 9100 है और नीचे 246 है, बस आपको इसको डिवाइड करना है। तो अब देखें तो 4 पे तो नहीं जा पाएगा, 3 पर जाएगा, तो 3 आएगा सबसे पहले। अब 7 पर चलाकर देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, इसका मतलब 36.9 या कहीं के 9192 ऐसी कहीं परसेंटेज आएगी जब आप पूरा निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक हमें क्वेश्चन को यहीं से, मतलब यहां से सिर्फ इतना लेकर इतना काम हमें पूरा करना था। अब ये जो टैक्स रेट है इसका यूज है, 40% 40% दोनों तरफ 40% की टैक्स रेट है। तो आप 9,84,000 का टैक्स यहां लगा देंगे, 13,50,000 का 40% टैक्स यहां लगा देंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और फिर माइनस करके निकालेंगे, फिर दोबारा से परसेंटेज। अब ये फिक्स हो गई है, ये ही परसेंटेज आने वाली है हर जगह, क्योंकि टैक्स रेट बिल्कुल सेम है। बस अब आपको 40% निकालना है 9,84,000 का। तो एक बार मैं बोर्ड को का आपको 40% निकालना है। तो ये 3,93,000 आ जाएगा, नहीं 600 भी है। माइनस कर यहां लिख दो, और 13,50,000 का हम 40% अगर निकालेंगे तो 5,40,000 आएगा। वो आप यहां लिखो, माइनस करो, ये फिगर्स आ जाएंगी। फिर 5,40 में से 3,93,000 अगर माइनस करें तो 1,43,000 की फिगर आएगी, परसेंटेज यही आने वाली है। 8,10,000 में से अगर मैं 5,90,400 माइनस करता हूं
ये थोड़ी सी फिगर गलत हो गई है। दो लाख 19,600 आता है, परसेंटेज यही रहेगी। तो ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर डिफिकल्ट हो सकती है, काम ज्यादा नहीं होता। इसी की तरीके से हमारे पास बिल्कुल कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आती है, जैसा बैलेंस शीट में था वैसे ही यहां पर होता है, बस वहां हर साल की अलग अलग परसेंटेज निकलती है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होता। 2016-17 आप पहले लिखेंगे और 2017-18 आप बाद में लिखेंगे। करंट ईयर यहां आता है, प्रीवियस ईयर यहां आता है। सबसे पहले देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो यहां देखिए पिछले साल 8 लाख का रिवेन्यू था, इस साल वो 16 लाख हो गया। एब्सोल्यूट चेंज अगर देखें तो 16 में से 8 घटाते हैं तो 8 लाख आता है। 8 लाख का 8 लाख से परसेंटेज निकालेंगे तो 100। देखिए यहां परसेंटेज इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है, पर एक चीज गलत होगी क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज वाला क्वेश्चन नहीं है, तो यहां ये नहीं हो सकता। तो यहां क्या होगा वो हम समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइज है। तो कॉमन साइज के अंदर हम एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालते, हम दोनों साल का मतलब कि 2017 और 2018 दोनों की अलग अलग फिगर निकलती है। तो किस बेस पर निकलती है, वो निकलती है जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू होगा उसके बेस पर। वहां बैलेंस शीट का टोटल था बैलेंस शीट में। जब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की बात आती है तो वहां आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल, मतलब कि टोटल रेवेन्यू का टोटल। तो आप देखो तो यहां सिर्फ एक ही फिगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वो चाहे यहां लिख लो बात एक ही रहेगी, क्योंकि यही एक अकेली फिगर है, अदर इनकम इसके अंदर नहीं है। और यही हमारा बेस होने वाला है। बेस का मतलब है कि अगर मैं यहां परसेंटेज इसके लिए निकालू 17 की, तो 8 लाख डिवाइड बाय ये खुद ही होगा, क्योंकि इसी से सबको डिवाइड करना है, तो इसलिए डिवाइड में भी क्या आएगा 8 लाख और इनटू में क्या आएगा 100। तो आप पाओगे कि पूरा 100% आएगा। सेम यहां पर भी पूरा 100% आएगा। यहां आप निकालो ना निकालो सेम बात है, क्योंकि एक ही जगह निकाले तो ज्यादा बेटर है। अब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो एक्सपेंस का एक पार्ट होता है। तो आप यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोला गया है, 60% है किसका, रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू कितना है 8 लाख, नहीं 50% है 2017 में और 60% है 2018 में। तो क्योंकि पहले हम प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं तो 50% है, 8 लाख का 50% कितना होता है 4 लाख। तो परसेंटेज तो उसने खुद ही बता दी कितना है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हिंट देखिए क्या बोला कि 50% है किसका है, रेवेन्यू का, और रेवेन्यू को ही बेस बनाना है। तो परसेंटेज कितनी आ गई घुमा फिरा कर, फिर 50, तो इसका मतलब यहां पर भी कितनी आने वाली है 60। अब 16 लाख का 60% अगर हम निकालते हैं तो वो 9,60,000 आती है, ठीक है। अब फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी इसी के अंदर आते हैं। चालीस हजार गिवन है, यहां 80,000 गिवन है। 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, क्योंकि सबको इसी से डिवाइड करना है, इस वाले कॉलम में इससे, इस वाले कॉलम में इससे। तो देखिए 4 जीरो हटा देता हूं तो यहां से 4 आता है और ऊपर से 80 आता है और इनटू में क्या आता है 100। तो आप पाओगे 5%, सेम परसेंट यहां पर आने वाली है, क्योंकि 8 दुनी 16 है तो 40 दुनी 80 है, तो परसेंटेज क्या है सेम रहने वाली है। इनकम टैक्स बाद की बात होती है, पहले आपको टोटल एक्सपेंस निकालने होते हैं। तो आप 4,40,000
इसका टोटल निकाल लेंगे। यहां देखोगे तो आप ये 10,40,000 आएगा। अब इसकी परसेंटेज भी इसी से निकालनी है, 4 जीरो हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, तो यहां से 44 आया, वहां से 80 आया, मल्टीप्लाई में है 100, तो फिर 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो ये 55% आएगा। यहां देखें तो 104 लिया जाएगा, 4 जीरो काट दो, 160 वहां से आएगा, इनटू में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, तो ये 60% आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो देखिए यहां 30% है इस साल, तो पहले आप क्या करोगे, 8 लाख में से 4,40,000 घटाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, तो जब हम घटाएंगे तो ये 3,60,000 की फिगर आती है। 16 लाख में से 10,40,000 घटाते हैं तो ये 5,60,000 की फिगर आती है। परसेंटेज निकालनी है दोनों की, तो ये 3,60 है तो 36, इसका 4 जीरो हटा दी, 80 ऊपर से आया और इनटू में 100 आया, तो ये 45% आएगा। ये देखें तो 56 यहां पर आया, 4 जीरो हट गई, 160 वहां से लिया और इनटू में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 35% आ गया। अब इनकम टैक्स रेट तो देखिए 30% है इस साल, 3,60,000 का 30%, तो जब आप निकालोगे 30% एक लाख 8,000 आएगा, इसका 40% टैक्स है, तो 5,60,000 का 40% हमें निकालना है, तो ये 2,24,000 आ जाएगा। 3,60,000 में से 1,08,000 अगर आप घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो पहले देखिए ये 3 जीरो हटा दीजिए अब की बार, क्योंकि 108 लेना पड़ेगा अब की बार आपको, वहां से भी अगर मैं 3 घटाऊं तो 800 आता है, इनटू में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 से डिवाइड कर लो इसको, ये आ गया। अब दूसरी फिगर में 252 लिखेंगे, 800 डिवाइड में लिखेंगे, इनटू में 100 लिखेंगे, फिर 8 से डिवाइड करना होगा, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। यहां देखें तो 224 को 16 से डिवाइड करना है, तो उसका 224 ले लो और उसका ऊपर से 160 ले लो और इनटू में 100 लिख दो, परसेंटेज निकालने में ही आपको ज्यादा समय लगेगा यहां पर, बाकी काम में इतना समय नहीं लगता। जब इसकी निकालनी होगी तो 336 और 160,
इनटू में 100 तो ये था हमारा कॉमन साइज जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाना है और जो भी फिगर जहां लिखी है वो ऊपर लिखनी है। इस तरीके से हमारे आंसर आ जाते हैं और ये नॉर्मली आपसे पूछी जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उम्मीद है कि आप इसको ये समझ पाए होंगे कि कॉमन साइज में क्या किया जाता है और कंपैरेटिव में क्या किया जाता है। एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, टैक्स माइनस कीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबकी परसेंटेज आपको निकालनी है। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। कॉमन साइज में जब हम चलते हैं तो हर ईयर का अलग बेस बनाना है रेवेन्यू को, रिवेन्यू डिवाइडेड बाय वो वैल्यू, और इस तरीके से हम सारी फिगर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। अभी आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।